सबसे पहले थोड़ा सा आपको हथेलियों में अपनी तेल को अप्लाई कर लेना है और मरीज़ के इफेक्टेड एरिया को लगा देना है। इसके बाद आपकी मसाज की प्रोसेस शुरू होंगे। सबसे पहले आपने थोड़ा सा वार्म अप कर दिया बॉडी को, वार्म अप करने के बाद आपने प्रोसेस शुरू किया मसाज का। ये इस तरह से मसाज जाएगा दोनों तरफ से, इस तरह से आप दबाते चले जाएंगे और जिनके घुटने में प्रॉब्लम होती है उनके यहाँ पे थोड़ा सा उभार सा आ जाता है, मतलब आपको लगता है जैसे मांस का जमावड़ा हो रहा है यहाँ पे। तो उस केस में, इस केस में यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने फिंगर्स को ज्वाइन करना है और इस तरह से प्रेस करते हुए आप इस तरह से करते जाएंगे मालिश दोनों तरफ, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हल्का सा प्रेशर दे के आप इस तरह करेंगे और पिंडलियों में इस तरह से खींच के थोड़ा सा प्रेशर लगाते हुए, ताकि परेशानी हो पेशेंट को, इस तरह से आप इस तरह से खींचेंगे तो हो जाएगा आपके घुटनों का और पिंडलियों का दर्द गायब। मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, दिल्ली से। थैंक यू।